हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच तवे पर। बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी। इफ्तार में बनाया, ऐसे भी बना सकते हैं, सारे बच्चे पसंद करते हैं, और उसके साथ अच्छी सी चटनी। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से रेसिपी को कैसे बनाया मैंने। सैंडविच बनाने के लिए पहले चटनी बनाऊँगी। हरा धनिया लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। नींबू 8-10, मिर्ची लेंगे। मिर्ची अपने स्वाद अनुसार रखिए, आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। कुछ लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये सेव जैसा ऐसा आता है ना, इसे डाल लेंगे चटनी में। चटनी थिक हो जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगी सैंडविच वाली चटनी। और नमक स्वाद अनुसार, इन सबको डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और आधा नींबू लिया है मैंने, नींबू डाल लेंगे इसमें और इन सबको पीस लेते हैं। इस तरह का चटनी बनके तैयार हुआ है। बहुत ही थिक चटनी, पतला ना रखें, थिक रखें। जितना थिक रहेगा सैंडविच उतनी अच्छी बनेगी। आधा किलो आलू लिया है मैंने, उसे बॉईल करके मैश कर लिया है। आलू मसाला सैंडविच बना रही हूँ। 1 चम्मच पैन में तेल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और इन्हें थोड़ा तड़कने देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, खड़ा जीरा। इसी के साथ डाल देंगे कुछ करी पत्ते। एक छोटे वाले प्याज लिए थे, उसे ऐसे काट लिया मैंने। तो डाल लेंगे ऐसे, हल्का फ्राई होने देंगे प्याज को। प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है, देख रहे हैं आप। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो सिर्फ अदरक घिस करके डाल सकते हैं। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाले का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़े से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मटर, आपके पास है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और 1 गाजर को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, इसे डाल देंगे। मसाले थोड़े भुन गए हैं, इसमें डालेंगे आलू, उबले हुए आलू है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। यहीं पे डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची और इसे मैश करते हुए भून लेंगे, तरह से मैश करते हुए। इसी के साथ डालेंगे हरा धनिया और इसे मैश करते हुए। अच्छे से आलू मैश हो गए हैं, हमारे मसाला आलू तैयार है। इसे ठंडा होने दें, तब बनाएंगे सैंडविच। आलू तैयार हो चुका है हमारा, अब सैंडविच बनाते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड से बना रही हूँ, आप नॉर्मल ब्रेड से भी बना सकते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। इमली की चटनी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं उसे। एक ब्रेड में ऐसे इमली की चटनी फैला लेंगे। खट्टी मीठी चटनी है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगेगी ये सैंडविच। इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। आप इसके जगह में सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन चटनी वाली ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस पे हरी चटनी लगाएंगे, हरी चटनी जो मैंने बनाया अभी। इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। चटनी थीक होनी चाहिए, पतली नहीं रहना चाहिए चटनी। इसके ऊपर आलू फैला लेंगे, जो मसाला आलू मैंने बनाया है उसे इस तरह से फैलाते जाएंगे। इस तरह से आलूओं को फैला लें और धीरे से ये इमली वाली ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे। ब्राउन ब्रेड से बना रही हूँ, बहुत हेल्दी होती है, आप नॉर्मल ब्रेड से भी बना सकते हैं। अब इस पे लगाएंगे बटर, ब्रेड के ऊपर बटर लगा लेंगे अच्छे से फैलाते हुए। इससे हमारी सैंडविच बहुत क्रिस्पी बनेगी। आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं इसे। इस तरह से बटर को लगा लेंगे। इसी तरह से और भी सैंडविच तैयार कर लेते हैं, बना ले। अब इसे तल लेते हैं। इस तरह से सैंडविच तैयार कर, बटर लगा के अब इसे तलेंगे।
इसमें डालेंगे थोड़ी सी बटर। अब इस सैंडविच के जिस साइड बटर लगा हुआ है उसे ऊपर रखेंगे और जिधर बटर नहीं लगा हुआ है उसे तवा पे रखेंगे। बहुत क्रिस्पी बनेगी ये सैंडविच। अब इसे पलट के इस साइड से भी सेक लेंगे, बहुत आराम से पलटेंगे धीरे से, और इस साइड भी सेक लेंगे अच्छे से। देख रहे हैं आप बहुत क्रिस्पी बनी है, इसका आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। इसी तरीके से दूसरा सैंडविच भी सेक लेंगे। लेयर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है। इस तरह की चटनी से बनाएंगे सैंडविच, बहुत अच्छी लगेगी और तवे पर ही बन जाती है, बहुत आसानी से कट भी हो जाती है। मैं हेल्दी बना रही थी इसलिए ब्राउन ब्रेड से बनाई हूँ। देख रहे हैं आप बहुत अच्छी बनी है हमारी सैंडविच, बन के तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं आप बहुत क्रिस्पी बनी है, बहुत टेस्टी, अंदर से सॉफ्ट है ऊपर से क्रिस्पी है।